हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए एक और शेयर पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसका नाम है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि BPCL। उससे पहले उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखे हैं ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही। तो चलते हैं दोस्तों, शेयर के बारे में जानते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो कच्चे तेल के शोधन और पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन के व्यवसाय में लगी हुई है, यानी कि कच्चा तेल से पेट्रोल डीजल वगैरह बना करके उसको बेचने का काम करता है। अब इसके चलते हैं मुख्य डाटा पे, जो कि तो जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका मार्केट कैप 74,362 करोड़, करेंट प्राइस 343 रुपया, बुक वैल्यू 243 रुपया। बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रही है शेयर। स्टॉक पी 3.65, ROC 6.86, ROE 6.34%, ROE और ROC लगभग बराबर ही है। डिविडेंड पे कर रही है 1.17% का। फेस वैल्यू 10 रुपया। रिटर्न ओवर 5 ईयर्स का अगर देखते हैं तो 4.35%, रिटर्न ओवर 3 ईयर्स का तो माइनस में 0.8% है, 84% है। ROE 3 ईयर्स का 17.8%, रिटर्न ओवर 1 ईयर का तो 14% का है, और 5 ईयर का ROE अगर देखते हैं तो 17.2%। प्रॉफिट बार 5 ईयर्स माइनस में है 18% का। इसका इंटरप्राइजेज वैल्यू जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 1,41,164 करोड़ का है। इसका चार्ट देखते हैं, जो कि प्राइस चार्ट है, तो काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन होते रहा है। तो अभी मुझे लगता है कि इसका सपोर्टिंग प्राइस 340-339 रुपये पर होगा, उसके आगे 327-328 के लगभग में, मतलब उससे नीचे अगर आया तो, लेकिन उतना नीचे नहीं जाएगा। ये लगभग 370 और 337-338 के ही बीच में ये कंसोलिडेट कर सकता है मेरे आइडिया अनुसार। बाकी मैक्सिमम चार्ट अगर देखते हैं तो इस प्रकार है, तो बेस्ट सपोर्टिंग प्राइस तो 300 के लगभग मैं बता रहा है इसमें, लेकिन उतना नीचे गिरने की उम्मीद नहीं है मेरे आइडिया से। बाकी इन्वेस्टमेंट करें तो अपने सूझबूझ और बुद्धि विवेक के अनुसार ही। इसमें प्रोज है, कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 57.1%, यानी कि 57.1% का डिविडेंड पे कर रही है और कॉन्स कुछ भी नहीं है। इसे समझ में आ रहा है कि काफ़ी अच्छा स्टॉक है। पीयर कंपैरिजन इस तरीके का, टोटल 7 कंपनी है। क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखते हैं तो जून 2023 का 1,12,985 करोड़ का सेल्स किया, एक्सपेंस 97,200 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15,785 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% का, अदर इनकम 800 करोड़ का, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इससे पहले अदर इनकम इसका 1,979 करोड़ का भी हो चुका है जून 2021 में। और एक बार इसको देख लेते हैं, अदर इनकम
अदर इनकम नॉर्मल से 1038 करोड़ का है, जबकि एक्सेप्शनल आइटम से माइनस में 238 करोड़ है। तो इससे जाहिर होता है कि अदर इनकम ठीक है। इसका डिप्रिसिएशन 1614 करोड़ का, उससे पहले इंटरेस्ट पेड किया 869 करोड़ का। नेट प्रॉफिट इसके पास, जो कि 25% टैक्स देने के बाद में 10644 करोड़ का। EPS 49.07 रुपया, काफ़ी अच्छा आया है इसका रिजल्ट पिछले क्वार्टर में। लास्ट 12 मंथ का अगर देखते हैं तो सेल्स है 4,65,090 करोड़ का, एक्सपेंस 4,32,593 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 7%, अदर इनकम 2,233 करोड़ का, इंटरेस्ट पेड किया 3,904 करोड़ का, नेट प्रॉफिट इसका 18,923 करोड़ का है और EPS 87.23। इसमें भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। और बैलेंस शीट इसके पास शेयर कैपिटल 2,129 करोड़ का है, रिजर्व 51,393 करोड़ का, ब्रोइंग 69,376 करोड़ का, रिजर्व से ज़्यादा ब्रोइंग है, अदर लाइबिलिटीज 65,210 करोड़ का, और इन्वेस्टमेंट भी है 26,778 करोड़ का। टोटल एसेट 1,88,109 करोड़ का है। कैश फ्लो, जो कि नेट कैश फ्लो, प्लस में है 257 करोड़ का मार्च 2023 में। शेयर होल्डिंग पैटर्न इस प्रकार है, प्रमोटर के पास में 52.98% का, FIH के पास में 13.01% का, DIH के पास में 22.53% का, गवर्नमेंट के पास में 0.94% का, और पब्लिक के पास में 10.21% का, अदर के पास में 0.32% का। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 817,339, इतने व्यक्तियों के पास में इसका शेयर है। और इसमें एक न्यूज है जो कि 20 अक्टूबर का ही है, तो उसमें बताया गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग है 27 अक्टूबर 2023 को। तो ये जो इसका 6 मंथ का जो फाइनेंशियल ईयर गुजरा है, यानी कि 6 मंथ पर जो रिजल्ट घोषित होता है, यानी कि क्वार्टरली रिजल्ट सितंबर का, तो उस पर ही उसी के वजह से मीटिंग होगा, और उस दिन का इंतज़ार करें, उस दिन रिजल्ट आ सकता है या उसके एक दिन बाद। तो उम्मीद तो है कि इसका रिजल्ट काफ़ी बेहतर होगा, और अगर रिजल्ट बेहतर हुआ तो इसका प्राइस 343 से उम्मीद करते हैं कि 400 पर भी जा सकता है। करंट 1-2 महीना में, बाकी मेरा इन्वेस्टमेंट का कोई सलाह नहीं है, इन्वेस्टमेंट करें तो अपने सूझबूझ से ही। इस शेयर में एक और न्यूज है जो कि 20 अक्टूबर का ही है, इंटीमेशन करके। तो इस न्यूज में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार VRS सिस्टम, इसके जहाँ पर कि ईंधन फिलिंग होता है और ईंधन की खरीद बिक्री होती है, उस जगह पे VRS सिस्टम नहीं लगाया गया है, इससे संबंधित नोटिस मिला है CPCB के तहत, CPCB के द्वारा। और इसमें कंपनी ने ये भी बताया है
कि ये इस नोटिस का जांच कर रही है और ये सीपीसीबी से अनुरोध करेगी कि इस नोटिस से मुक्त करें। और ये नोटिस कितना रकम की है? तो 2 करोड़ की, जो कि मुआवजा के तहत है। और कौन से? सेक्शन 5 ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। इसी का विस्तार पूर्वक इस पेज पे है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शॉर्ट नेम BPCL, किसके तहत है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB। ये इस एक्ट एंड रूल के हिसाब से 19 अक्टूबर 2023 को ऑर्डर है इसका। और कितनी रकम की? तो 2 करोड़ की। इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशन और अदर एक्टिविटीज ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, नो मटेरियल इम्पैक्ट। यानी कि कंपनी के द्वारा ये भी बताया गया है कि इसका प्रभाव कंपनी पर किसी भी प्रकार का नहीं पड़ेगा, ये उम्मीद है। तो ये तो कंपनी के तरफ से दावा किया जाता है, बट शेयर प्राइस पर इफ़ेक्ट पक्का पड़ता है जब भी किसी तरह का नोटिस मिलता है किसी भी कंपनी को। तो ये अभी तक का मेरा ऑब्जर्व किया हुआ है। इससे पहले इसी के साथ में IOCL को भी नोटिस दिया गया है, तो उसको 1 करोड़ का, वो भी ऐसा ही दावा कर रहा है। अब मैं इसी पर वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।